नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मौजूद हो आप मेरे साथ हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ मौजूद है। तो आप मेरे साथ बने रहिए हिंदुस्तान सीबी न्यूज पर और देखते रहिए आंखों देखा हाल। ताजनगरी आगरा के ब्लॉक बरौली अहीर की आगरा ग्वालियर रोड स्थित ग्राम पंचायत रोहता में स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय कंपोजिट विद्यालय में कक्षा 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं। इस विद्यालय में लगातार 11 अप्रैल से चोरियों का सिलसिला चल रहा है। विद्यालय के अध्यापकों ने बताया है कि आज विद्यालय में 6वीं बार चोरी हुई है। इससे पहले लगातार एक के बाद एक 5 बार चोरी हो चुकी है। विद्यालय में लगे छात्र छात्राओं के लिए पंखों को चोर चुरा कर ले गए हैं, तो आज बच्चों के खाने के बर्तनों को ही चोर चुरा कर ले गए। इस प्रकार लगातार एक के बाद एक हो रही चोरियों पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठाती है। वहीं पुलिस लगातार चोरियों की घटना पर पहुंच रही है, इसके बावजूद भी चोरी की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग रहा। समाज सेवी विनोद निगम ने मौके पर पहुंचकर जहां स्कूल के अध्यापकों अध्यापिकाओं और छात्र छात्राओं से जानकारी ली, तो उन्होंने ऐलान किया है कि ट्विटर के माध्यम से उन्होंने संबंधित अधिकारियों को अवगत करा दिया है। अगर सोमवार तक विद्यालय का मुकदमा लिख चोरों पर कार्रवाई नहीं की गई तो सोमवार को वह विद्यालय के छात्र छात्राओं और अध्यापकों के साथ मिलकर जिलाधिकारी आगरा का घेराव करेंगे। उन्होंने सख्त लहजे में चेतावनी दी है। अब देखना होगा क्या विद्यालय की चोरियों पर अंकुश लगेगा या चोरी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आइए जानते हैं अध्यापकों से और समाज से भी विनोद निगम से क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर। स्कूल में लगभग 5 बार पहले चोरी हो चुके हैं, आज फिर से 6वीं बार चोरों ने निशाना बनाया है। काफ़ी क्लासों में थे, पंखे वगैरह ले गए और अक्सर हर बार पंखे ही चोरी होते हैं। बच्चे गर्मी में परेशान हो रहे हैं, तो जब भी हम रिपोर्ट लिखाते हैं तो पुलिस आते हैं, खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। वो चोरों के हौसले बुलंद हैं, जबकि गेट बंद, सब कुछ बंद, दीवार बांध के दीवार तोड़ कर गए और रिपेयर कराते हैं। आज फिर दीवार तोड़ दी और उसमें से बहुत सारे जो सामान था जो कुछ भी वो निकाल के ले गए और बड़े गंभीर हैं कि स्कूल प्रशासन स्कूल के अध्यापक बड़े परेशान हैं कि बच्चों को देखें कि चोरी की खतरे क्या करें। मेरा कौशलेंद्र सिंह है। किस प्रकार का मामला है? मामला ये है कि हमारे उच्च प्राथमिक विद्यालय रोहता कंपोजिट में लगातार आज 6वीं बार भी चोरी हो गई और इस महीने में ये 6ठी चोरी थी। सारे पंखे पहले ही निकाल लिए गए थे और जो है उसके बाद फिर जब पंखे नहीं मिले उसको उस कमरे में, तो उन्होंने बच्चों के खाना खाने वाले बर्तनों पे जो है हाथ साफ कर दिया है। पुलिस को जानकारी दी है? पुलिस को लगातार जानकारी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, जो कि अब तुरंत होना चाहिए और इन पर पकड़ा जाना चाहिए। ऐसा कौन है जो हमारे शिक्षा के मंदिर को इतना नुकसान पहुँचा रहा है? ये विकृत मानसिकता है। ये विगत 1 माह में हो गई, अप्रैल में ही ये 6ठी चोरी है। लगातार हम अवगत करा रहे हैं पुलिस को, लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। एक भी बार नहीं हुआ। मेरा नाम विनोद निगम है और मैं समाज सेवी हूँ। आज क्या मामला है? मामला ये हमारे गांव रोहता में ये सरकारी विद्यालय है जिसमें हमारे गांव के और आसपास के बच्चे भारी मात्रा में पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ लोगों की मानसिकता ऐसी बन गई है कि बार बार इस स्कूल में चोरी की जाती है और उनकी मानसिकता यह किसी तरीके से इस स्कूल के जो टीचर हैं या बच्चों, उनको इतना टॉर्चर किया जाए कि स्कूल को ये बंद करा दिया जाए। आज जो चोरी हुई है ये 6ठी बार चोरी हुई है और इससे पहले बराबर यहाँ से तहरीर दे दी गई है, लेकिन एक बार भी अभी कंप्लेंट नहीं ली है और ना ही अज्ञात में ही सही, लेकिन हमारी अभी FIR दर्ज नहीं हुई है। तो मैं उच्च अधिकारी, जो भी उच्च अधिकारी हैं हमारे, उनको मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि सोमवार तक हमारी FIR दर्ज होनी चाहिए और जो भी दोषी हैं उनको पकड़कर उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते उच्च अधिकारी, तो मैं बच्चों को साथ में लेकर और जो भी हमारे टीचर हैं उनको साथ में लेकर जिलाधिकारी आगरा का घेराव करूंगा। कब करेंगे? सोमवार को। इसके लिए आपको जानकारी किनको दी है? इसके लिए आपको सभी उच्च अधिकारियों को सूचना दे दी गई है, जैसे आगरा पुलिस है, जिलाधिकारी आगरा, आगरा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तर प्रदेश सरकार को मेरे द्वारा सूचना दे दी गई है। किसके द्वारा सूचना दी है? ट्विटर के माध्यम से मैंने सूचना दे दी गई है।
और मैंने मांगे रखी हैं कि जो आने वाला जो सोमवार है, जब तक हमारी जो भी समस्या है, जैसे FIR है, चाहे अज्ञात में ही FIR दर्ज हो, और अगर पुलिस चाहेगी तो जो भी चोर हैं, जो बार बार चोरी कर रहे हैं, उनको चाहेगी पुलिस तो पकड़कर उनको सलाखों के पीछे बंद करेगी और हमारी FIR दर्ज करेगी, और भी जो भी हमारी जो स्कूल की जो समस्या है उनका वो समाधान करेंगे। राजनगरी आगरा में आगरा पुलिस को बदमाश लगातार एक के बाद एक खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। ताज़ा मामला थाना सदर क्षेत्र के आगरा ग्वालियर रोड स्थित रोहता कंपोजिट विद्यालय का है। आपको बता दें कि रोहता कंपोजिट विद्यालय में 11 अप्रैल से लगातार एक के बाद एक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लगातार आज 6वीं बार चोरी हुई है। चोर पहले तो पंखे ले जा रहे थे, परंतु आज जब उनको कुछ नहीं मिला तो बच्चों के खाने के बर्तनों को ही चोर चुरा कर ले गए हैं। इस प्रकार आगरा पुलिस को चोर खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आगरा स्कूल के स्टाफ की बात की जाए तो वह लगातार तहरीर पर तहरीर दे रहे हैं, पर पुलिस की तरफ से अभी तक उनकी कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में समाजसेवी विनोद कुमार ने दावा किया है कि अगर सोमवार तक समस्या का समाधान नहीं होता है तो वह स्कूल के बच्चों के साथ जिलाधिकारी आगरा का घेराव करेंगे, जिसकी जानकारी उन्होंने ट्विटर के माध्यम से सभी संबंधित अधिकारियों को दी गई है। चूप सिंह सक्सेना, आगरा।